मैम, जैसे अभी हमें पता है कि समर सीजन आने वाला है, सो कैट्स में हमें डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम भी फेस हम देखते हैं कि कैट्स को डिहाइड्रेशन इशू हो गया है, तो उसके कुछ प्रिकॉशंस या बेनिफिट्स आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अगर घर में हो कैट्स, आई डू दिस कि उनका जब ग्रेवी फूड हम फीड करते हैं उसमें लिक्विड मिक्स करके देना चाहिए, पानी मिक्स करके देना चाहिए, ट्राई टू गिव वेजिटेबल्स मिक्स इन इट. पम्पकिन इज गुड सोर्स, दे लाइक इट फॉर सम रीजन. माई कैट्स लाइक इट पम्पकिन. यू कैन मिक्स इट इन विस्कस ग्रेवी, वट एवर कैट ग्रेवी दे लाइक. बाहर के एनिमल्स के लिए I would say is always keep a water bowl. A lot of NGOs are distributing the cement water bowls. You can place those and replace the water, you know, maybe once or twice in a week, or depends on how where you're keeping it, to be honest. तो बाहर के स्ट्रीट एनिमल्स का यू कैन नॉट गो टू दैट एक्सटेंट कि तुम उसको जाके हैंड फीड कर सकते हो. कैट्स आर नॉट वेरी व्हाट यू से सोशल, स्पेशली द वंस हु लिव ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि वो लोग वैसे भी बेचारे रोड पे रह रहे डरे हुए रहते हैं. दे डोंट ट्रस्ट एनीवन. आप वाटर बॉल छोड़ दो, वो अपना काम कर लेंगे. बट घर पे अगर हो तो येस, प्लीज टेक प्रिकॉशन. यू हैव टू एंश्योर दैट योर नॉट ओनली योर कैट्स, इवन इफ यू हैव डॉग एट होम, दे ड्रिंक इनफ वाटर. हम ऐसे कभी कभी होता है कि जो पानी नहीं पीते थे ये लोग, तो माय हस्बैंड यूज्ड टू जस्ट यू नो प्ले विद दैट टॉय जो स्ट्रिंग पे होता है एंड खेल खेल के दे गेट टायर्ड एंड देन दे फाइनली गो एंड ड्रिंक वाटर. तो हम वो सब ऐसे करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे शुड ड्रिंक. तो फूड में मोस्टली आप अगर पानी थोड़ा मिक्स करके देते हो दैट इज फाइन. तो फॉर दैट हम कैट्स को इंगेज कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज में, लाइक इफ दे आर प्लेफुल सो दे कैन ड्रिंक वाटर मोर एंड मोर. यस, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी भाग के आओगे तो आपको भी प्यास लगेगी. सो दैट लॉजिक आई वुड से, सो इफ यू एंगेज देम इन दोस एक्टिविटीज एंड यू नो मेक देम थोड़ा वो, तो प्लस उसका फिजिकल फिटनेस भी हो रहा है ना साथ साथ में. यस करेक्ट. सो या दे डू, या एंड व्हेन दे आर ईटिंग फूड यस, तभी तो यू हैव टू मिक्स वाटर, क्योंकि अदरवाइज कैट्स का वो हैबिट होता है, वो लोग पानी पीने के लिए बहुत पीछे हटते हैं. करेक्ट. सो आप इंगेज करने के लिए क्या एक्टिविटीज करवाते हैं कैट्स? वन इज दैट माउस दैट आई गॉट फ्रॉम यू गाइस, उसमें जो ट्रिक्स सो वो आई दे प्ले विद दैट. सेकेंडली आपस में तो खेलते रहते हैं वो लोग, उनको तो बस मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो लोग वैसे भी 6 लोग हैं घर में, सो दे प्ले अराउंड. देन वी हैव दैट स्टिक विद द माउस. So they were feathers to it, but they ruined it. उन्होंने खा लिया उसको, मतलब तोड़ दिया. बाहर बिल्डिंग में भी वो पिजन के फेदर्स गिरे होते हैं, सो जस्ट गिव देम अ फेदर. वो लोग उसको खेलते रहते पूरा टाइम, जस्ट अ फेदर इज इनफ, वो स्टिक का जरूरत भी नहीं पड़ता है. सो एंड विद द स्टिक वो लोग लिटरली मेरे घर में सर्कस करते हैं. आई मीन माय हस्बैंड डज ऑल दैट, बट आई डोंट गेट इनटू इट. बट हाँ, वो लिटिल ऐसे सर्कस करते से जंप एंड एवरीथिंग, समरसॉल्ट सब होता है यहाँ पर. ओके ग्रेट.